दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसा केस आपके सामने लेकर आया हूँ जिसे पूरा जानने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स काम करती है और कितनी लापरवाही से किसी भी केस को देखती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सन 2003 से सन 2009 तक 6 सालों में साउथ कर्नाटका के 6 अलग अलग जिलों के अलग अलग बस स्टैंड पर 20 लाशें मिलती हैं। हर लाश में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। सभी लाश करीब 20 से 30 साल की महिला की थी। सभी ने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। सभी की मौत किसी प्रकार के जहर खाने से हुई थी। सभी लाशें किसी न किसी बस स्टैंड के वॉशरूम से मिली थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि शादी के जोड़ों में पाई जाने वाली महिला की लाश पर किसी भी किस्म का गहना या ज्वेलरी नहीं था। 6 साल के अंदर 20 लाशें मिलने के बाद भी कभी भी किसी ने भी इस मामले को सीरियल किलिंग से जोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर मिलने वाली लाश की कोई पहचान ही नहीं हुई थी और ना ही कोई उनकी बॉडी क्लेम करने आया था। ऐसे में पुलिस ने ज़्यादातर केस को सुसाइड समझकर बंद कर दिया था। 17 जून सन 2009 दक्षिण कर्नाटका के बंटवाल इलाके में 22 साल की अनीता मूल्या लापता हो गई। उसके परिवार वाले और पड़ोसियों ने 2 दिन तक उसको पूरे गाँव में ढूंढा, पर अनीता का कहीं भी पता नहीं चला। तभी गांव में ये अफवाह फैलने लगी कि अनीता लव जिहाद का शिकार हो गई है और कोई मुस्लिम लड़का उसे अपने जाल में फंसाकर भगाकर ले गया है। उस वक्त कर्नाटका ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कम्युनल माहौल बहुत ही गर्म था और ख़ास करके कर्नाटका में बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में इस मुद्दे पर बहुत टेंशन थी। उसमें भी बंटवाल जैसे इलाकों की हालत इतनी ख़राब थी कि पुलिसकर्मियों को भी यहाँ ट्रांसफ़र मिलने पर डर लगता था। जब पूरे इलाके में तनाव का माहौल बढ़ने लगा तो बंटवाल पुलिस ने इंस्पेक्टर नानजुंदे गौड़ा और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट चंद्रगुप्ता की लीडरशिप में एक टीम बनाई। लेकिन उसके एक दिन पहले ही उसी गांव से 160 किलोमीटर दूर हसन इलाके के बस स्टैंड के एक वॉशरूम में अनीता की ठीक इसी तरह लाश मिली थी जिस तरह बाकी 19 महिलाओं की लाश मिली थी। शादी के जोड़े में सजी हुई अनीता के मुँह से जहर खाने की वजह से झाग निकल रही थी। उसने भी शादी का जोड़ा पहना हुआ था और उसके भी बदन पर कोई गहना नहीं था। अनीता के लापता होने के बाद पुलिस पर हिंदुत्ववादी ग्रुप का बहुत प्रेशर बढ़ने लगा था। पुलिस भी डर के साए में काम कर रही थी। अगर किसी तरह भी ये बात आगे बढ़ जाती कि अनीता लव जिहाद का शिकार हुई है तो इलाके में दंगे हो सकते थे। पुलिस ने सबसे पहला काम किया अनीता का सेलफोन और उसके घर के लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड चेक करना। अनीता के कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर पुलिस को एक नंबर मिला जिस पर अनीता लंबी लंबी बातें करती थी। जांच करने पर पता चला कि वो नंबर किसी श्रीधर का था। जब पुलिस श्रीधर के घर पहुंची तो पता चला कि वही नंबर श्रीधर की बहन कावेरी इस्तेमाल करती थी, जो कि खुद 17 मार्च से लापता हैं। कावेरी की कॉल डिटेल्स खंगाले गए तो पुलिस को और 2 महिलाएँ विनीता और पुष्पा के नंबर मिले, जो कि खुद कुछ वक्त से लापता थे। अब एक एक करके कड़ियाँ जुड़ने लगी थी। आरोपी जो भी था वो एक गुमशुदा महिला के फ़ोन से दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें करता था, इतना तो पुलिस तय कर चुकी थी। पुलिस को एक बात पता चल चुकी थी कि ये केस सिर्फ एक गुमशुदा महिला और उसकी खोज के बारे में नहीं है, ये कोई बड़ा सा कांड है। पुलिस का मानना था कि ये कोई सेक्स रैकेट या ट्रैफिकिंग का रैकेट हो सकता है, पर इसके बारे में भी पुलिस के पास और कोई भी प्रूफ नहीं था, ना ही आसपास कहीं सेक्स रैकेट के बारे में कोई एक्टिविटी हुई थी। अनीता की केस के जांच पड़ताल कर रहे इंस्पेक्टर गौड़ा की टीम ने पड़ोस के पुलिस थानों में गुमशुदा महिलाओं की रिपोर्ट मंगवाई और उनके लापता होने के टाइम को देखते हुए घटनाओं के टाइमलाइन बनाई। पुलिस को इस केस में सबसे बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब पुलिस ने सभी गुमशुदा महिलाओं के सिम कार्ड द्वारा इस्तेमाल किए गए फ़ोन के IMEI नंबर की खोज शुरू की। उसमें पुलिस को एक ऐसा IMEI नंबर मिला जो कि ज़्यादातर सिम के साथ इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने उस नंबर को सर्वेलांस पर लगाया तो पता चला कि वो हैंडसेट गांव में किसी के पास एक्टिव हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा कि एक 13-14 साल का बच्चा उस हैंडसेट को इस्तेमाल कर रहा था। जब उस बच्चे को फ़ोन के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि ये फ़ोन उसके चाचा का है जिन्होंने उसे इस्तेमाल करने के लिए दिया है। उस बच्चे से उसके चाचा का नाम पूछा गया तो उसने बताया मोहन कुमार। पहली बार इस पूरे केस में पुलिस के पास एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट था मोहन कुमार, पर मोहन को दबोचने से पहले पुलिस ने एक और महिला जिसका नाम सुचित्रा था और जो दर्जी का काम करती थी उसकी मदद ली। सुचित्रा ने पुलिस को बयान दिया कि जिस दिन अनीता लापता हुई थी
उसी दिन उसने अनीता को मोहन कुमार के साथ बस स्टैंड पर देखा था। इतना ही नहीं, वो मोहन को इसलिए भी जानती थी कि 4 साल पहले सन 2005 में मोहन कुमार ने खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर सुचित्रा से शादी का प्रस्ताव रखा था। पुलिस ने सुचित्रा के फ़ोन से ही मोहन को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बस स्टैंड पर बुलाया। जब मोहन बस स्टैंड पर आया तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। मोहन कुमार बेंगलुरु के पास एक गांव में प्राइमरी स्कूल में टीचर था। अपने स्कूल में वो साइंस और मैथ पढ़ाता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। एक बार स्कूल के रास्ते उसे एक अकेली महिला मिली। सुनसान रास्ते पर अकेली चल रही महिला को देखकर उसका मन फिसल गया और वो महिला को छेड़ने लगा। उस महिला ने उसे लताड़ दिया तो गुस्से में आकर मोहन कुमार ने उस महिला को पास से गुजर रही कैनाल में धक्का दे दिया। उसे लगा कि वो मर गई होगी, पर असल में वो बच भी गई और उसने मोहन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी की। पुलिस ने मोहन को अटेम्प्ट टू मर्डर केस में गिरफ्तार किया और फिर कोई सबूत ना मिलने पर रिहा भी कर दिया। पर इस घटना के बाद मोहन कुमार को स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी बीवी से भी उसका डिवोर्स हो गया। मोहन अब बेरोजगार भी हो चुका था और अकेला भी। उसे लगने लगा कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे एक लड़की का हाथ है और वो निकल पड़ा एक मिशन पर। एक ऐसा मिशन जिसने मोहन के मुताबिक 32 और कानून के मुताबिक 20 लड़कियों को मौत के हवाले पहुंचा दिया। मोहन ने इसके बाद दूसरी शादी भी की और दूसरी बीवी के रहते हुए तीसरी शादी भी कर ली, पर मोहन के अंदर एक राक्षस अब जिंदा हो चुका था। मोहन ने पहले तो किसी अपने दोस्त से साइनाइड के बारे में जाना। साइनाइड एक ऐसा जहर है जो किसी इंसान के बदन में जाते ही कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है, और ये जहर सुनार लोग सोने के गहने को चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोहन को जब इसके बारे में पता चला तो उसने भी केमिस्ट से खुद को सुनार बताकर साइनाइड खरीदना शुरू किया। मोहन ने अब आसपास के गांव की ऐसी महिलाओं को अपना शिकार बनाना शुरू किया जिनकी शादी की उम्र हो चुकी थी, पर गरीबी या किसी और कारणों की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही थी। मोहन दिखने में भी अच्छा था, ठीक ठाक कपड़े भी पहन लेता था और टीचर होने की वजह से बोलने में भी माहिर था। मोहन पहले तो उस लड़की से दोस्ती करता। दोस्ती करने के वक्त वो हमेशा अपने आप को किसी सरकारी कर्मचारी होने का परिचय देता, हमेशा अपने नाम बदल कर मिलता, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखता, वो नाम चाहे जो भी रखे अपनी कास्ट उसी लड़की की कास्ट वाले ही बताता। दोस्ती और पहचान बनाने के बाद वो लड़की से शादी का प्रस्ताव रखता और हमेशा ये बात रखता कि वो शादी तो करेगा पर दहेज में कुछ नहीं लेगा। मोहन की ऐसी बातें लड़कियों को उसके ऊपर और भरोसा करने के लिए उकसाती। फिर किसी दिन सारी तैयारियां करके मोहन उस लड़की को शादी करने के लिए ले जाता। ज़्यादातर लड़कियां अपने घर परिवार से भागकर ही शादी करने वाली होती थी और इसी वजह से ये लोग अपने गांव से दूर किसी दूसरे गांव में जाकर शादी करते। लड़कियां अपने साथ शादी का जोड़ा और कुछ गहने ले जाती जो कि मोहन के ही प्लान का हिस्सा होता। फिर दोनों किसी दूसरे गाँव चले जाते। मोहन हमेशा बस स्टैंड के आसपास ही किसी होटल या लॉज में कमरा बुक करता। वहाँ रात भर दोनों लोग रहते और शारीरिक संबंध तक बनाते। अगले दिन सुबह मोहन लड़की को शादी करने के लिए मंदिर जाने के लिए तैयार करता। लड़की से वो शादी का जोड़ा और गहना पहनाता। फिर वो मंदिर जाने से पहले नज़दीक के बस स्टैंड पर ले जाता और लड़की से अपने गहने उतरवाकर उसे साइनाइड मिलाई हुई गोली देता और कहता कि हमारी नई नई शादी हुई है और हमें अभी से माँ बाप नहीं बनना है, ये गर्भ निरोधक गोली है, तुम खा लो, फिर हम मंदिर में शादी करने जाते हैं। वो साथ में उसे बताता कि ये गोली खाने से कुछ देर तक चक्कर या उल्टी हो सकती है, इसलिए इसे तुम बस स्टैंड के वॉशरूम में जाकर ही खाना। जैसे ही शादी के जोड़ों में सजी लड़की लेडीज वॉशरूम में जाती, वो सारे गहने और ज्वेलरी लेकर रूम में जाता, वहाँ से अपना सामान पैक करता और गायब हो जाता। उसे इतना पक्का यकीन था कि गोली खाने के बाद वो लड़की कभी वॉशरूम से ज़िंदा निकलेगी ही नहीं, और हर बार ठीक ऐसा ही होता। कत्ल करने के बाद मोहन अपनी दूसरी और तीसरी बीवियों के साथ कुछ वक्त गुजारता और फिर अपने अगले शिकार की ओर चल देता। मोहन के पकड़े जाने तक पुलिस को कभी ये अंदाज़ा तक नहीं था कि जिस केस को ये लोग जिस्म फरोशी या सेक्स रैकेट समझकर छानबीन कर रहे हैं वो इस हद तक उलझा हुआ सीरियल किलिंग का मामला होगा। मोहन की साइनाइड की टेक्निक के बाद साइनाइड मोहन के नाम से जाना जाने लगा। मोहन ने खुद शुरुआत में पुलिस को 32 महिलाओं को इसी तरह मारने की बात कबूली, लेकिन पुलिस को अपनी छानबीन में 20 महिलाओं के बारे में कुछ सबूत मिल सके। मोहन इस कदर शातिर था कि अपनी कोर्ट सुनवाई में वो खुद अपना केस लड़ रहा था।
उसने सरकारी वकील तक करने से मना कर दिया, ये बताते हुए कि सरकारी वकील उसे मरा देगा। वो खुद दिन भर जेल में अपने केस के बारे में पढ़ाई करता। कोर्ट में मोहन अपने खुद के बयान से ही मुकर गया। उसने बताया कि उसने किसी को भी खुद से नहीं मारा। ये सभी महिलाएं मोहन से प्यार करती थी और मोहन अपनी शादीशुदा जिंदगी की वजह से उनसे शादी नहीं कर सकता था, वो जानकर उन्होंने सुसाइड कर ली। हालांकि ऐसी कई बातें थी जिससे मोहन का झूठ सामने आ जाता था, जैसे सभी महिलाओं का एक ही पैटर्न में किसी बस स्टैंड के वॉशरूम में मिलना, सभी के पास शादी के जोड़े होना और यहाँ तक कि सभी का एक ही जहर से मरना। मोहन के 20 में से 8 केस की सुनवाई हो चुके हैं, जिसमें से उसको 5 केस में सजाए मौत और 3 केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद 5 में से 3 केस को भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। मोहन के बाकी के केस अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं और मोहन जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। इस पूरे केस में सोचने वाली बात यह है कि 20 महिलाओं की एक ही पैटर्न में लाश मिलने के बाद भी पुलिस को इस मामले में सीरियल किलिंग की भनक तक नहीं लगी। ये हमारी सिस्टम की कमियां को दिखा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।